अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल माशाल्लाह हैदराबादी रेसिपीज़। में आज हम बनाएंगे आलू बैंगन। सबसे पहले एक भगोना रख दी मैं, भगोना गरम हो गया। 3 टेबलस्पून ऑयल डाली मैं, ऑयल भी अच्छे से गरम हो गया। अब हम इसमें डालेंगे 3 डल्ली प्याज। प्याज को लाइट ब्राउन करेंगे। प्याज लाइट ब्राउन हो गई, अब हम इसमें डालेंगे आलू। 1/2 किलो आलू है ये। अपना चाहे तो प्याज में नमक मिर्ची डाल के भी आलू डाल सकते हैं। इसमें डालेंगे हल्दी 1/2 टीस्पून, अदरक लहसुन 1 टीस्पून, नमक 1/2 टीस्पून, मिर्ची 1 टीस्पून। और 1 गिलास पानी डालेंगे। पानी ज़्यादा नहीं डालना है, आलू बैंगन का सालन सूखा रहता, पानी ज़्यादा नहीं डालना। इसमें डालेंगे बैंगन, 1/2 किलो बैंगन है ये। बैंगन के मैं छोटे छोटे पीसेस काट के रख ली। बैंगन काटने से पहले पानी में नमक डाल लेना। पानी नहीं डालना इसमें, थोड़ा पानी डाले थे ना हम, 2 गिलास पानी, बस उसमें आलू बैंगन सब कट जाता। अगर आप लोगों को जल्दी होना है तो कुकर में पका सकते, नहीं तो भगोने में कढ़ाई में बना ले सकते। आलू बैंगन डाल के एक सीटी देना, ज़्यादा नहीं देना, नहीं तो आलू बैंगन सब गल जाते। रोटी के साथ, चावल के साथ सर्व कर सकते। आलू बैंगन गलने के लिए 10 मिनट लो फ्लेम पे रखना। देखिए माशाल्लाह हमारे आलू अच्छे से गल गए। कोथमीर हरी मिर्ची डालेंगे, बैंगन भी गल गए। हम 5 मिनट के लिए दम पे रखेंगे। देखिए माशाल्लाह हमारा पानी भी अच्छे से सूख गया, आलू बैंगन सब अच्छे से गल गए। अब हम इसमें डालेंगे छोटी मेथी। आपके पास छोटी मेथी नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं, नहीं तो बड़ी मेथी भी डाल सकते हैं। फ्लेम को ऑफ करेंगे। मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन को क्लिक करिए। दुआ में ख्याल रखिए। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।